हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में ग्लैम 21 का फाउंडेशन का आपको रिव्यू बताऊंगी। ये फ्रेंड्स मैंने ऑनलाइन मंगवाया है 235 रुपीस का, और ये जो ब्रांड है वो ग्लैम 21 एंटीऑक्सीडेंट ऑयल कंट्रोल स्किन फाउंडेशन है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके नेट वेट की बात करें तो ये देखिए, ये 50 ग्राम का है, 235 का मुझे मिला है। और इसमें फ्रेंड्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दी है 2016 और यूज बिफोर 6/2021, मतलब 2021 तक मैं इसको आराम से यूज कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बेसिकली इसको इसलिए मंगवाया है क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल है, क्योंकि अब समर का सीजन आ रहा है, तो समर सीजन में ऑयल जो फेस ऑयली हो जाता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, मेकअप करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो फाउंडेशन मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसा देखूं जो जो स्किन ऑयली है तो जो एक्सेस ऑयल है इसको एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए मैंने ग्लैम 21 का फाउंडेशन ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इसकी गोल्डन कलर की पैकेजिंग है। ये कैसे डिब्बे में आता है ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह की बोतल में आता है, इस तरह की ये जार है, गोल्ड कलर का ये जार है। यहां पर भी ग्लैम 21 फाउंडेशन दिया है, ये देखिए यहाँ नेट वेट दिया है 21। और हम अगर इसके कलर की बात करें तो ये नेचुरल बीच 01 इसका सीरीज नंबर है फ्रेंड। ये देखिए, ये यहाँ पर इसके में लिखा है, ये मैंने नेचुरल बीच मंगवाया है 01। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने स्किन के कलर के अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन मंगवा सकते हैं। आपका अगर फेयर कलर है तो आप उसके अकॉर्डिंग, अगर आपका ब्यूटिश कलर है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी फाउंडेशन मंगवा सकते हैं। मैंने ये मंगवाया है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस जार में आता है, गोल्डन कलर की जार है और नीचे ये ग्लास की इसकी ये नीचे से जार है, तो इसको काफी आप संभल के यूज करिए ताकि ये गिरे नहीं, वरना ये टूट भी सकता है। और इसकी कैप भी है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रांसपेरेंट इसकी कैप है और ये इसका इस टाइप में प्रेस डाउन करके इसका लिक्विड आता है फ्रेंड्स। तो इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। अगर अब हम इसके टेक्सचर और इसके हम फ्रेगनेंस की बात करें तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका टेक्सचर और इसका फ्रेगनेंस कैसी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो अगर हम इसके टेक्सचर की बात करें फ्रेंड्स तो ये देखिए, ये मैट फिनिश में है फ्रेंड्स। इसकी जो फिनिशिंग है ये मैट फिनिश में आता है क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आपके फेस के, अगर आपकी स्किन आपकी ऑयली है तो ये एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करके आपको, आपकी स्किन को, आपके फेस को एक मैट लुक देता है। आप इसको अपने फेस पे, बॉडी पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा इसका एक टेक्सचर है, पूरा ये स्किन में एब्जॉर्ब हो गया। अगर आप इसकी फिनिशिंग देखिए तो ये बिल्कुल मैट फिनिश में कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है। और फ्रेंड्स अगर हम इसकी प्रेगनेंस की बात करें तो इसकी प्रेगनेंस जैसे और फाउंडेशन होते हैं बिल्कुल उसी की तरह माइल्ड है, बहुत अच्छी इसकी प्रेगनेंस है फ्रेंड। ये देखिए, बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत लाइट है, वेट है इसका जो टेक्सचर है, मेरे स्किन में बिल्कुल ये एब्जॉर्ब हो गया है। प्लस अगर आप इसकी फिनिशिंग देखिए तो मैट फिनिश में कितनी मेरी स्किन जो है वो कितनी फेयर लग रही है, कितना कॉम्प्लेक्शन कितना अच्छा लग रहा है, ब्राइटनेस आ गई है, फेयरनेस आ गई है और ग्लोइंग कर रही है स्किन। तो इसलिए मैंने इसको समर सीजन को ध्यान में रखते हुए मैंने इस फाउंडेशन को मंगवाया ताकि मेरे फेस पे जो भी ऑयलनेस है वो इस फाउंडेशन को यूज अगर मैं करूँ, कहीं मैं पार्टी में जाऊँ या कहीं जाऊँ तो इसको मैं लगा के जाऊँ ताकि जो मेरे फेस पे एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले फ्रेंड्स।
अब फ्रेंड्स अगर मैं इसके शेड की बात करूं तो मैं शेड आपको बता ही चुकी हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर नेचुरल बी 01 इसका शेड दिया हुआ है और काफी अच्छा है। इसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा है तो मैं इसको काफी साल तक यूज कर सकती हूँ। हालांकि इसकी क्वांटिटी कम है तो कोई बात नहीं, बट प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। काफी सस्ते में मुझे ये प्रोडक्ट मिल भी गया फ्रेंड्स, और क्योंकि ऑयल कंट्रोल है तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।